हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है दोस्तों चंद्रेश सागर। गाइस, आज मैं आपके सामने एक लेके आया हूँ बुक, जो है महाभारत, सॉरी गीता की बुक है ये। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि हमारा टेक्निकल चैनल है, यहाँ पे मैं गीता की बुक क्यों लेके आया हूँ। तो गाइस, जैसे आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मैं ये गीता की बुक क्यों लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मैंने ये बुक कहाँ से मंगाई है। तो आप ये सब जगह ब्रांडिंग देख सकते हैं, सेफ शॉप, सेफ शॉप, सेफ शॉप। तो सेफ शॉप से ही मैंने यहाँ पे ये बुक मंगाई है। और इस बुक की जो प्राइस रहने वाली है दोस्तों, वो होगी अराउंड 10,000 रुपीज़। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पाएँ तो 9,990 रुपीज़, मतलब अप्रॉक्स 10,000 के आसपास की ये हमारी बुक है, जिसके साथ मुझे ये एक डिवाइस फ्री मिला है। तो डिवाइस कैसे वर्क करता है, ये बुक में क्या ऐसा स्पेशल है कि इसकी प्राइस 10,000 रुपीज़ है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले इस बुक को हम ओपन करते हैं। तो यहाँ से इस भगवद गीता को मैं निकालता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि इसकी जो ब्रांडिंग है भगवद गीता, यहाँ पे हाउमा ब्रांड की ये बुक आने वाली है। यहाँ पे मैं इसे टच करके फील कर सकता हूँ दोस्तों। ये सिर्फ एक कवर है, यहाँ पे इस कवर को मैं टच करके फील कर सकता हूँ। ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग देता है दोस्तों। यहाँ पे जितने भी टेक्स्ट लिखे हैं या जितने भी ये फोटोज़ हैं, उन सबको मैं टच करके दोस्तों फील कर सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पे इसको हम ओपन करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे है हमारी ये भगवद गीता। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका जो कलर कॉन्ट्रास्ट है एंड इसमें जो भी ये फील आ रहा है दोस्तों, मैं हाथों से टच करके आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों। इसका बहुत ही अच्छी तरह से इन डिटेलिंग इस पर काम किया गया है। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा कैमरा फ्रेम में लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट पेज है, यहाँ पे बहुत सारी आप ये देख सकते हैं गोल्डन फिनिशिंग है। ये शाइनिंग भी करती है लाइट के साथ। अगर मैं इसे ऊपर नीचे करूँ तो आप शायद देख पाएं कि यहाँ पे जितनी भी गोल्डन फिनिशिंग है, सब में शाइनिंग होती है दोस्तों। एंड यहाँ पे दोस्तों हमारी भगवद गीता है, स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे कुछ इस टाइप का हमें एक डिवाइस इस बॉक्स में देखने के लिए मिलने वाला है दोस्तों। तो अभी इसे थोड़ी देर में हम ओपन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इस भगवद गीता को मैं बाहर निकालता हूँ। तो ये हमारी भगवद गीता है दोस्तों। इस बॉक्स को मैं साइड में रख देता हूँ। तो ये दोस्तों हमारी भगवद गीता है, आप देख सकते हैं बहुत ही हैवी भगवद गीता है ये। इसका वेट ही दोस्तों अराउंड मेरे अकॉर्डिंग 3 से 4 किलो के आसपास इसका वेट होना चाहिए। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कम्प्लीटली ये गोल्डन फिनिशिंग दी हुई है यहाँ पे। तो ये गोल्डन फिनिशिंग क्यों दी है इस बुक में, ऐसा क्या स्पेशल है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। ये गाइस कोई नॉर्मल बुक नहीं है, ये एक स्पीकिंग भगवद गीता है। मतलब इसमें आपको कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बुक अपने आप आपको वो चीज़ बोल के सुनाएगी दोस्तों। अब वो कैसे बोलेगी दोस्तों, वो इस डिवाइस की मदद से बोलने वाली है। तो ये डिवाइस कहाँ है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरे पास एक और पैकेज है जिसके अंदर मुझे डिवाइस देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये दोस्तों एक और हाउमा ब्रांडिंग का हमें बॉक्स मिल जाता है। एंड इसमें दोस्तों सबसे पहले मुझे डिवाइस का चार्जर देखने के लिए मिल जाता है, साइड में रख देते हैं। एंड यहाँ पे मुझे डिवाइस का स्टैंड देखने के लिए मिल जाता है। एंड जो हमारा मेन डिवाइस है वो ये रहा दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये हमारा मेन डिवाइस है। इसमें आपको कुछ बटन्स देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ पे एक ये वाइट कलर की बटन है जिसमें LED चमकती है। एंड ऊपर आपको एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाता है। बैक साइड की बात करें तो सबसे ऊपर टॉप में आपको स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। उसके नीचे आपको एक छोटा सा गोल छेद दिख रहा होगा, ये माइक के लिए है दोस्तों। आप अपनी वॉइस भी इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे नीचे बॉटम में आप देख सकते हैं कि ये एक होल है, ये एक सेंसर होल है दोस्तों। यही रीड करता है कि हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है। तो चलिए इसे सबसे पहले हम ऑन कर देते हैं और बुक का डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। तो इस बटन को आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पावर का आइकॉन है। इसे थोड़ी देर मैं प्रेस करके रखूँगा तो यहाँ पे ये डिवाइस ऑन हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, जैसे डिवाइस ऑन हुआ यहाँ पे एक मंत्र उसने बोला है ऑन होने पे। एंड यहाँ पे दोस्तों साइड में आपको एक जैक भी देखने के लिए मिल जाता है, 3.5 mm का जैक है। अगर आप चाहें किसी और को आप नहीं सुनाना चाहते तो यहाँ पे सिंपली आप ईयरफोन लगा के खुद इसे सुन सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अब आ जाता है अपनी बुक के ऊपर कि बुक कैसे बोलेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि बुक हमारी बोलेगी इस डिवाइस की मदद से। तो यहाँ पे दोस्तों एक हमें इस पेज का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमें एक पेड़ का पत्ता दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है ये पीपल ट्री का लीफ है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मुझे इस टेक्स्ट को रीड करना है तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे डिवाइस का जो यहाँ पे नीचे बॉटम में एक सेंसर है, इस सेंसर को दोस्तों मुझे इस टेक्स्ट के ऊपर रखना पड़ेगा। सीक्रेट पीपल ट्री लीफ। तो जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पे इसे रखता हूँ वो कम्प्लीटली रीड करता है कि वो क्या लिखा हुआ है। इसी टाइप से दोस्तों यहाँ पे नीचे कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं संस्कृत एंड इंग्लिश में। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसके ऊपर रखता हूँ संस्कृत वाले टेक्स्ट के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कि पीछे की बैकग्राउंड की वॉइस के साथ यहाँ पे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। एंड जैसे ही दोस्तों मुझे इसे पॉज करना हो तो सिंपली मैं यहाँ पे प्ले एंड पॉज की बटन है इसे प्रेस कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं किसी भी ब्लैंक जगह पे इसके सेंसर को रख सकता हूँ ताकि वो ऑटोमेटिक पॉज हो जाए दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे ये बुक कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो ये बुक दोस्तों इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत तीन लैंग्वेज में अवेलेबल है एंड तीनों लैंग्वेज हमारा ये डिवाइस बोल सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम भगवद गीता को स्टार्ट करते हैं। मैं इसका ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1 हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अध्याय 1। तो यहाँ पे दोस्तों ऊपर आप देख सकते हैं कि 4 यहाँ पे आपको सिंबल दिख जाएंगे। सबसे पहले गणपति का है, देन श्री कृष्ण का है, देन एक और सिंबल है एंड लास्ट में आपको एक ओम का सिंबल देखने के लिए मिल जाता है। नीचे आपको एक शंख का एक इमेज देखने के लिए मिल जाएगा। उसके नीचे आपको यहाँ पे चैप्टर 1 एंड यहाँ पे 2 और आइकॉन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे ऊपर वाले टेक्स्ट से, जो एक मंत्र लिखा हुआ है। अगर आपको कैमरा में क्लियर नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा पास लेके आ जाता हूँ। अब देख सकते हैं सबसे ऊपर यहाँ पे एक मंत्र लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या हमारा डिवाइस ये मंत्र बोलेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे डिवाइस ने ये कंप्लीट ऊपर वाला मंत्र बोल दिया है। नीचे यहाँ पे हमें 4 आइकॉन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे बुक में दोस्तों कोई भी चीज ऐसे ही नहीं दी हुई है, यहाँ पे आइकॉन दिए हैं, मतलब इसका भी कुछ ना कुछ मतलब होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों ये 4 आइकॉन 4 आरती को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले गणपति है। तो जैसे मैं इस गणपति के आइकॉन के ऊपर रखता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें गणपति की आरती सुनाई देती है, कंप्लीट आरती, फुल आरती यहाँ पे बोलता है। देन उसके बाद सेकंड आरती, आप देख सकते हैं सेकंड आरती हमें सुनाई दे रही है। देन इसी टाइप से दोस्तों यहाँ पे थर्ड आरती है। आप देख सकते हैं दोस्तों जैसे आरती या कुछ भी इसमें टेक्स्ट बचता है तो यहाँ पे लाइट है कंप्लीट ब्लिंकिंग होने लगती है दोस्तों। तो इसे हम म्यूट कर देते हैं, लास्ट आरती हम सुनते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 4 आइकॉन है, 4 आइकॉन 4 आरती को रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके नीचे हम आ जाते हैं दोस्तों थोड़ा, तो यहाँ पे आपको एक ये शंख की इमेज देखने के लिए मिल जाती है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर अपना रखता हूँ डिवाइस, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने डिवाइस को शंख के ऊपर रखा तो शंख की आवाज मुझे सुनाई देने लगी है। इसी टाइप से दोस्तों यहाँ पे प्रथम अध्याय देन इंग्लिश में चैप्टर 1 एंड यहाँ पे दोस्तों एक चैंटिंग लिखा हुआ है। जैसे मैं इन दोनों में किसी के ऊपर भी क्लिक करता हूँ तो कंप्लीट चैप्टर 1 मुझे
ये डिवाइस बोल के सुना देगा। वो गाइस अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे सिर्फ संस्कृत एंड इंग्लिश में ही सुनाता है, हिंदी लैंग्वेज में नहीं सुनाता। लेकिन अगर मुझे हिंदी लैंग्वेज में सुनना है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये चैप्टर वन है। चैप्टर वन का यहाँ पे वर्स नंबर वन आपको नीचे देखने के लिए मिल जाता है। इसमें सबसे ऊपर टॉप पे आपको संस्कृत लैंग्वेज देखने के लिए मिल जाती है, बीच में आपको हिंदी लैंग्वेज देखने के लिए मिल जाती है, सबसे नीचे आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने के लिए मिल जाती है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको एक इमेज देखने के लिए मिल जाती है जो बैकग्राउंड साउंड का काम करती है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इमेज को ही सुनेंगे। तो डिवाइस मेरा ये रहा, नीचे मेरा सेंसर है, इमेज के ऊपर मैं रख देता हूँ। तो यहाँ पे इमेज के ऊपर मैंने रखा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड साउंड सुनाई दे रहा होगा हमारे डिवाइस में। तो गाइस यहाँ पे ये हो चुका है बैकग्राउंड साउंड। एंड यहाँ पे अब चलते हैं हमारे वर्स नंबर वन पे। सबसे पहले हम इसे सुनेंगे संस्कृत में, उसके बाद हिंदी में, एंड उसके बाद इंग्लिश में। तो चलिए सबसे पहले संस्कृत में, संस्कृत वाले टैक्स के ऊपर मैं रख देता हूँ। तो संस्कृत में मुझे ये सुनाई दे रहा है दोस्तों। तो गाइस यहाँ पे संस्कृत का जो हमारा वर्स नंबर वन था वो कंप्लीट हो चुका है। भाई हम इसे इंग्लिश में, हाँ सॉरी, हिंदी में सुनना हो तो आपको हिंदी वाले टैग के ऊपर हमारे सेंसर को रखना पड़ेगा। तो जैसे ही सेंसर को मैं रखता हूँ तो अब ये हिंदी में चालू हो जाएगा। राष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि को। एंड गाइस इसको आप सिंपली ये जो इसका स्टैंड है यहाँ पे इसे रख सकते हैं, ताकि ये कम्प्लीटली ऐसे ही रखा रहे एंड आपको कम्प्लीट इसका ये सुनाई देता रहे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे संस्कृत एंड हिंदी कंप्लीट हो चुका है, अब सुनते हैं इसे एक बार इंग्लिश में। तो इंग्लिश में चैप्टर 1.1। धृतराष्ट्र सेड, ओ संजया, व्हाट डिड माय सन्स एंड पांडू'स सन्स डू व्हेन दे गैदर्ड फॉर द बैटल एट धर्मभूमि, होली ग्राउंड कुरुक्षेत्र। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना इन डिटेलिंग यहाँ पे काम किया गया है इस बुक को बनाने में। एंड गाइस सिर्फ इतना ही नहीं, आप नीचे यहाँ पे पेज नंबर देख सकते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा इसे कैमरा के पास लेके आता हूँ। यहाँ पे आपको पेज नंबर एंड चैप्टर वन वर्स वन दिख रहा होगा। एंड जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पे अपने डिवाइस से पेज नंबर के ऊपर रखता हूँ, तो यहाँ पे पेज नंबर तक दोस्तों ये बोलता है। एंड यहाँ पे चैप्टर वन Verse 1. यहाँ पे दोस्तों एक एक चीज में बहुत ही इन डिटेलिंग काम किया गया है। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे बहुत सारे यहाँ पे आपको ये दिख जाएंगे हमारे वर्स सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यहाँ पे हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये डिवाइस है, ये सिर्फ फ्लो में ही चलता है, जैसे पेज नंबर वन उसके बाद टू, जैसा मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये आप जैसे इसे चलाना चाहें वैसे चला सकते हैं। मैं रैंडम कोई भी पेज निकाल देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला पेज कोई निकाल देता हूं, तो यहां पे मुझे एक फ़ोटो देखने के लिए मिल जाती है। ये आ जाता है दोस्तों चैप्टर नंबर 4 वर्स 9 एंड 10, आप यहां पे देख सकते हैं। एंड इसका जो पेज नंबर है वो है 111, मतलब 111। तो चलिए यहां पे सबसे पहले हम फोटो का साउंड सुनते हैं कि बैकग्राउंड वॉइस हमारा कैसा होने वाला है। तो आप ये बैकग्राउंड वॉइस सुन सकते हैं दोस्तों। कंप्लीट आपको एक एक चीज इन डिटेलिंग काम के साथ दोस्तों इस बुक में मिलने वाली है। इसलिए इस बुक का प्राइस थोड़ा सा हाई है, लेकिन आप इसका काम देखें। बोलने वाली गीता मेरे अकॉर्डिंग आज से पहले आपने कहीं भी कभी नहीं देखी होगी। अगर देखी होगी दोस्तों तो इस टाइप की उसकी डिटेलिंग आपने कभी नहीं देखी होगी। इसकी आप डिवाइस देखेंगे तो कंप्लीट आप देख सकते हैं, एकदम वुडन स्ट्रक्चर वाला, वुडन टेक्चर वाला आपको कंप्लीट फील देता है। हाथ में मैं इसे पकड़ता हूं तो इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है दोस्तों। एंड यहां पे आप देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक का कुछ लगाया है, ये कंप्लीट ग्रिप के लिए है, ताकि मैं स्टैंड में भी इसे रखूं।
तो ये कभी गिरे ना दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे ये लगाया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने रैंडम पेज निकाला, वहां पे भी ये बोल रहा है। यहाँ पे मैं एक हमारा चैप्टर 4:9 प्ले कर रहा हूँ। जो पुरुष मेरे दिव्य जन्म और कर्म के सत्य को जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म न लेकर मुझे ही प्राप्त होता है, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो अब देख सकते हैं दोस्तों, मैंने रैंडम पेज निकाला, वहां पे भी उन्होंने सेम टेक्स्ट वो बोला है जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है दोस्तों। तो गाइस यहाँ पे ये बुक की बात हो चुकी है। अब ये बुक वर्क कैसे करती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस बुक में ऐसा क्या है कि ये बुक अपने आप कुछ ना कुछ बोलती रहती है। कुछ ना कुछ मेरा मतलब है जहाँ पे मैं इस डिवाइस को रखता हूँ वो चीज़ ये बुक बोलती है। तो ऐसा तो क्या है इस बुक में कि ये इतना सब एडवांस फीचर पे काम करती है। तो यहाँ पे साइलेंट पेज नंबर 190, तो यहाँ पे पेज नंबर तक ये बुक बोलती है। तो चलिए दोस्तों, इस बुक का मैंने आपको एक बार ओवरव्यू दे दिया है, अब इन डिटेल इस बुक को जानते हैं कि इस बुक में ऐसा तो क्या है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे ये सब वॉइस सुनाई देती है। तो उसके लिए दोस्तों हमें बुक को शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो गोल्डन कलर है ये सिर्फ गोल्डन कलर नहीं है। जब इस पेज को दोस्तों एक पेज को सिंपली आप ऐसे सनलाइट में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जितने भी गोल्डन कलर हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स वायर हैं, ये पूरे बुक में कम्प्लीटली फैले हुए हैं हर जगह पे। उन्हीं वायर्स के अंदर इस बुक में कोडिंग की गई है दोस्तों। ये जो आपको गोल्डन कलर यहाँ पे देख सकते हैं ये कम्प्लीटली वायर हैं, इसके बीच में जो गैप है वो इतना कम है दोस्तों कि हम अपनी नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते हैं। कम्प्लीटली ये वायर हैं, आपकी ये जितने भी पेज हैं हर पेज में ये फैले हुए हैं दोस्तों। इनफैक्ट दोस्तों ये जो वायर है ये हमारे बुक के फ्रंट जो हमारा सीट है, कार्डबोर्ड सीट है, उसमें भी है। जब मैं इस डिवाइस को यहाँ पे रखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे कार्डबोर्ड सीट भी यहाँ पे बोलती है दोस्तों। तो ये किस तरह से वर्क करता है, क्या है, क्या इस बुक में ये सब फीड है या फिर इस डिवाइस में फीड है, तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे ये अब भगवद गीता के एक एक हमारे वर्ड्स हैं वो सब कुछ हमारे डिवाइस में फीड है। हमारा बुक बस यही काम करती है कि डिवाइस को बताती है कि अब आपको ये वर्ड्स पढ़ना है दोस्तों। तो सिंपली दोस्तों फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वर्ड्स मुझे पढ़ना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे ये पेज नंबर पढ़ना है, तो ये पेज नंबर ऑलरेडी इसमें फीड है दोस्तों। ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ है, इसके अंदर हमारी पूरी भगवद गीता फीड है। आपको बस करना क्या होता है, बस इस सेंसर को यहाँ पे आप रखेंगे Page 46, तो वो आपको वही टेक्स्ट पढ़ के सुनाएगी जो यहाँ पे हमें दिख रहा है दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों इसमें कम्प्लीटली पूरी भगवद गीता फीड है इस डिवाइस में, लेकिन ये डिवाइस तभी एक्टिव होता है जब इसमें यहाँ पे इसकी जो कोडिंग होगी वो कोडिंग इसके सेंसर के साथ मैच होती है। तो यहाँ पे कोई फॉर एग्जाम्पल 46 पेज नंबर की कोडिंग है, तो जैसे ही मैं इस सेंसर को 46 के ऊपर टच करता हूँ तो वो कोडिंग एक्टिवेट हो जाती है एंड हमारा स्पीकर एक्टिवेट हो जाता है और बताता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों। कुछ बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है। मेरे पास दोस्तों एक वीडियो है इसकी, मैंने अपने मोबाइल से एक वीडियो इसमें बनाई है दोस्तों अपने माइक्रो लेंस से। तो उस वीडियो में दोस्तों क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो गाइस यहाँ पे एक ये वीडियो है, मैं आपको स्क्रीन में साइड में प्ले करके दिखा देता हूँ, इसमें आपको इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दिखेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो मेरी वीडियो है मैंने माइक्रो लेंस में इस वीडियो को बनाया है। इस लेंस को लेके दोस्तों मैं एकदम पेज के बहुत ही डीप में गया, एकदम पास लेके गया, तब मुझे इसमें दोस्तों कुछ डॉटेड दिखाई दिया अपने नॉर्मल पेज में। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि हर पेज में एक डॉटेड लाइन है, वो डॉटेड लाइन दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे फीड की हुई है जिसकी मदद से हमारे इसमें कोडिंग फीड की गई है दोस्तों हमारी कंप्लीट बुक में। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको इसकी एक फ़ोटो दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, साइड में आपके स्क्रीन में फ़ोटो मैंने लगाई है, आप ये फ़ोटो देख सकते हैं दोस्तों कि बहुत ही अच्छी तरह से इसमें काम किया गया है। इतनी डॉटेड लाइन है, आप नॉर्मल ये बुक देखते हैं, मैं कितना भी इस बुक को कैमरे के पास लेके आ जाऊँ दोस्तों आपको वो डॉटेड लाइन यहाँ पे डॉटेड वो दिखाई नहीं देंगी। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि वो इतनी छोटी हैं, इतनी बारीक हैं कि आपको माइक्रो लेंस से ही दिखाई देंगी दोस्तों।
तो बहुत ही शानदार बुक है दोस्तों, एंड इसका जो डिवाइस है ये भी बहुत शानदार है। एक बार दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं वापस से कैमरे को पास में लेके जाता हूँ। अभी माइक्रो लेंस मेरा ऑन नहीं है, देखते हैं कि नॉर्मल कैमरे से भी क्या इसकी बारीकी दिखाई देती है या नहीं। एंड उसके साथ ही दोस्तों हम इस बुक को ख़त्म कर सॉरी इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। एंड गाइस, अगर आपको भी ये बुक मंगानी हो तो आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल दिख जाएंगी। आप वहां पे जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको Hey, बता दूंगा कि where are you? यहाँ I'm पे आप ये बुक कैसे ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, मैं जूम करके देखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ तो ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही लाइट लाइट आपको डॉट दिखाई दे रहे होंगे। मे बी इस वीडियो में आपको दिखाई नहीं दे रहे, पर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही लाइट यहाँ पे डॉटेड हैं, आप देख सकते हैं। ध्यान से देखेंगे तो आपको भी यहाँ पे दिखाई देंगे, एकदम लाइट यहाँ पे डॉटेड आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको भी ये बुक परचेस करनी हो तो सिंपली दोस्तों आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, एंड हमारे कांटेक्ट के अबाउट सेक्शन में भी आपको मेरा ईमेल, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आईडी देखने के लिए मिल जाएगी। आप वहाँ पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इन डिटेल बता दूंगा कि कैसे आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं जिसके साथ आपको ये डिवाइस साथ में मिलने वाला है। एंड इसके जो प्राइस की मैं एक और बार आपको दिखा देता हूँ कि ये जो बुक का प्राइस है दोस्तों वो 9,990 रुपीज़ है, मतलब अप्रोक्स 10,000 रुपये की बुक आने वाली है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दो आइटम हैं यहाँ पे, एक आपको डिवाइस मिल जाएगा, एक आपको बुक मिल जाएगी। डिवाइस का जो प्राइस है दोस्तों वो है 2,124 रुपये, एंड रिमेनिंग जो प्राइस बचता है वो आता है हमारी बुक का प्राइस दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बोलने वाली भगवद गीता, स्पीकिंग भगवत गीता, बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों। मैंने पर्सनली इसे यूज़ किया है, मेरे को ये बहुत ही अच्छी बुक लगती है, एंड साथ में इसका डिवाइस डिवाइस स्टैंड। तो यहाँ पे दोस्तों इस टाइप से मैं इस डिवाइस एंड डिवाइस स्टैंड को रख सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में।